गुड मॉर्निंग। सो अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर जिसका नाम है टाइम। ठीक है, अब हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सो टाइम क्या होता है? सो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो टाइम में। वी लुक्ड एट द क्लॉक एंड लर्न रीडिंग टाइम एंड हाफ पास्ट एन आवर्स इन दिस क्लास। ओके, वी विल एक्सटेंड आवर नॉलेज टू रीड टाइम व्हेन द मिनट एंड आवर्स हैंड आर एट डिफरेंट नंबर्स। आपने देखा है घर पे क्लॉक रखा होता है, हम अपने घर के घर में जो क्लॉक पाते हैं वो क्या होता है, उसमें हमेशा दो हैंड होते हैं, यानी दो उसमें सुई होती है, यानी दो हैंड ऑफ क्लॉक होते हैं हैंड में। सो एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। उसमें से एक सुई आवर्स की होती है जो घंटा बताता है और दूसरी मिनट की होती है। सो यहाँ लिखा है आवर्स इन अ क्लॉक एंड टाइम टू हाफ पास्ट एन आवर्स। ठीक है, व्हेन द मिनट हैंड इज़ एट 12, जब मिनट वाली सुई यानी बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पे होती है, बड़ी वाली सुई जब 12 पे होती है, द आवर्स एंड गिव्स अस द आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, जब ये वाली 12 है फिर से ये रोटेट करके फिर से 12 पे जाएगी, यानी वो 1 आवर्स बताएगी। ठीक है, एक दिन में एक घंटा हुआ ये हम मानते हैं। ठीक, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, और अगर यही वाली सुई 6 पे हो जाए, सो हम उससे बोलते हैं द टाइम इज हाफ पास्ट द आवर्स जस्ट क्रॉस बाय द आवर्स हैंड, उसे हम बोलते हैं हाफ पास्ट। जैसे देखिए छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली यानी आवर्स वाली जो सुई है वो 7 पे है और मिनट वाली 12 पे है, सो हमने लिख दिया 7 o'clock। मैंने अभी बताया अगर बड़ी सुई या मिनट वाली सुई 12 पे होती है, यानी हम बोलते हैं कि वो 1 आवर्स में ऑफ द डे में, यानी एक दिन में, और अगर 6 पे होगी तो हाफ पास्ट 7 पढ़ेंगे, यानी 7:30, यानी 7:30 7:30 हो रहे हैं। ओके, सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, राइट द टाइम सोन ऑन द क्लॉक बिलो। सो यहाँ देखिए 12 पे बड़ी वाली सुई यानी मिनट वाली सुई दी हुई है, और यहाँ पे 8 पे छोटी वाली सुई, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 8 o'clock हो रहा है, यानी 8 बज रहा है। यहाँ पे 12 पे है यानी 4 o'clock। यहाँ देखिए ये छोटी वाली सुई कहाँ है, 12 और 1 के बीच में, यानी 12, इसको 12 लेंगे, और बड़ी वाली यानी मिनट वाली सुई 6 पे है, सो हम इसे पढ़ेंगे हाफ पास्ट 12। इस तरीके से हाफ पास्ट 7 था ये, और यहाँ पे हाफ पास्ट 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाफ पास्ट 9 हो जाएगा, बिकॉज क्या है 9 पे है और मिनट वाली सुई 6 पे है, सो उसी तरीके से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोला ड्रॉ द मिसिंग हैंड इन द फॉलोइंग। अब 11:30 हो रहे हैं, 30, आप देखिए 30 का मतलब जान लीजिए कि हमेशा मिनट वाली सुई किस पे होगी, 6 पे, सो यहाँ पे ये 6 पे बना दीजिए, थोड़ी बड़ी कर दीजिए इससे। ओके, देन यहाँ 2 o'clock हो रही है, 2 o'clock हो रही है, इसका मतलब ये बड़ी वाली मिनट वाली सुई कहाँ जाएगी, 12 पे, बस दो ही यहाँ पे है, एक 12 पे जब जाती है तो आवर्स ऑफ द डे होते हैं, एंड 6 पे जाती है तो हाफ पास्ट होते हैं। इस तरीके से इसी दोनों क्वेश्चन में यही करना है आपको। ठीक है, अब फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मार्क एज राइट द टाइम बाय ड्राइंग द मिनट एंड आवर्स हैंड। अब इसमें बोल रहा है 3 hours आफ्टर 9 o'clock, 3 hours आफ्टर 9 o'clock। सो यहाँ क्या कह रहा है, 3 hours आफ्टर 9 o'clock का क्या मतलब है कि 9 बजे, यानी 9 o'clock, 9 बजने से 3 घंटे बाद कितने बजेंगे, 3 घंटे बाद, यानी आफ्टर बोला यानी क्या होगा, प्लस होगा, तो 9 में हम 3 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 10, 11, 12, कितने हो जाएंगे 12 नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ आप क्या लिखोगे, 12 o'clock, 12 o'clock लिख देना। और 12 कैसे लिखोगे, दोनों सुई 12 पे होंगी, एक छोटी और एक बड़ी। नेक्स्ट कह रहा है 1.5 hours आफ्टर 9 o'clock। अब 9 o'clock के बाद क्या बोला है, 1.5 hours, यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा और हाफ आवर्स, तो 9 में 1 घंटा प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, और हाफ आवर्स तो 10:30 हो जाएंगे। सी वाला कह रहा है 3 hours आफ्टर 9:30। अब फिर 3, 9 में 3 प्लस करिए, बिकॉज 3 hours
आफ्टर 9:30 बोल रहा है, 9 में 3 प्लस करेंगे यानी 12 और 30, सो इस यहाँ क्या हो रहा है 12:30, इसका मतलब हाफ पास्ट 12। हाफ एन आवर्स बिफोर 4:30, 4:30 से हाफ आवर्स पहले यानी माइनस करेंगे तो 30 आवर्स माइनस कर देंगे यानी कितने क्लॉक होंगे 4 o'clock यानी 4 बजे। ओके, इसी तरीके से आप करिएगा, फिर नेक्स्ट हम बताएंगे।